ये है रिंग का छोटा भाई, ये रेंट्स की तरफ से है, आप देख सकते हैं, और ये आपको ऑनलाइन रियल केस के नाम से मिलेगा। आइए लेते हैं इसका फिजिकल ओवरव्यू। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो उभार है कैमरा मॉड्यूल की प्रोटेक्शन के लिए, ठीक ठाक सा है, डिसेंट है, बहुत बढ़िया नहीं। आपको ये साइड पे आर्क्स मिल जाती हैं, आप देख सकते हैं, और इनका पर्पस यही है कि ये इस सेक्शन को स्क्रैची होने से बचाएं। लेकिन इनका उभार बहुत ज़्यादा नहीं, तो मुझे शायद देखना पड़ेगा। हाउएवर ये जो हमारा प्लास्टिक पैनल है ये अंदर की तरफ है, आप देख सकते हैं ये पोर्शन उभरा हुआ है, तो डेफिनेटली जब आप इसको इस तरीके से रखेंगे तो ये पोर्शन टच नहीं करेगा फ्लोर को। आप देख सकते हैं कि हर तरफ से ये प्लास्टिक केसिंग है जो उभरी है और ये पार्ट अंदर की तरफ है। इधर भी देखिए ध्यान से, सो विच मीन्स कि आपका प्लास्टिक पैनल खराब नहीं होगा, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये एक्रिलिक के होते हैं तो स्क्रैचेस पड़ के ये धुंधले होने लग जाते हैं, तो वो चीज़ नहीं होगी, जो कि अच्छी बात है। आपको अंदर की तरफ एक वर्टिकल एयर पॉकेट तो नहीं कहूँगा, बट कुछ पर्पसफुली वही डिज़ाइन है कि बम्प को सोक कर ले, और कुछ खास नहीं, कोई पोर्ट क्लोजर नहीं। चलिए इसे पुट ऑन करते हैं। और हाँ, एक चीज़, आपको बम्पर्स मिल जाते हैं एक तरह से, आप देख सकते हैं कि ये उभार है, सो ये भी अच्छी चीज़ है। चलिए इसे पुट ऑन करते हैं और कंक्लूड करते हैं। कुछ इस तरह की लुक्स आपको मिलेंगी, आप देख सकते हैं, क्योंकि रियर पैनल ट्रांसपेरेंट है तो आपको बैक ग्लास बहुत अच्छे से दिखेगा और ये अच्छे से हाईलाइट भी होगा। आइए चेक करते हैं कैमरा प्रोटेक्शन। आप देख सकते हैं कि जो कैमरा प्रोटेक्शन है ये ओके टाइप्स है, आई थिंक मैं इसको फिर भी अच्छी बोल सकता हूँ, क्योंकि अभी हमने जो हाल ही में कवर्स देखे उसमें तो इतनी भी नहीं थी, तो आई थिंक कंपेयरिंग दोज ये अच्छी प्रोटेक्शन है दोस्तों, बहुत बढ़िया नहीं हाँ, लेकिन अच्छी है। एक बारी को मैं शायद थोड़ा सा हिचकिचा भी रहा हूँ ये बोलने के लिए कि आप इस पर कैमरा प्रोटेक्टर लगवाइए, बट एनी विच वेज इट्स अ गुड थिंग अगर आप लगवाते हैं, बट सो फार दिस कवर डिड नॉट लेट मी प्रॉम्प्ट कि आप लगवाइए ही लगवाइए। आपको कोई पोर्ट क्लोजर नहीं मिलता, जो कटआउट्स हैं वो परफेक्ट हैं बॉटम में, टॉप में भी। स्क्रीन प्रोटेक्शन नहीं है, आप देख सकते हैं कि नेक टू नेक जा रहा है, तो टेम्पर्ड ग्लास तो मस्ट रहेगा ही रहेगा, मोर ओवर टेम्पर्ड ग्लास भी एट रिस्क रहेगा, डेफिनेटली ये सरफेस को भी टच करने वाला है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। स्पीकर ग्रिल प्रॉपरली विजिबल, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कॉल क्वालिटी में। अगर हम टेम्पर्ड ग्लास लगवाने की बात करें थर्ड पार्टी, तो काफ़ी रूम है, आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगी उसमें भी आपको। कवर का वजन भी ठीक ठाक सा है, सो ओवरऑल आई थिंक इसको हम रेकमेंड कर सकते हैं। अगर आपको ये पसंद आता है ज़रूर लीजिए, आपको अच्छी प्रोटेक्शन मिलेगी, ये मटेरियल भी अच्छा है, बम्प्स वगैरह भी आसानी से सोख लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर आप रिंग नहीं अफोर्ड कर सकते, इसको गलत मत समझिएगा, हर एक का अपना अपना बजट होता है, तो आप इस डेफिनेटली ले सकते हैं, लेकिन अगर आप रिंग अफोर्ड कर सकते हैं तो मैं यही कहूँगा कि आप उसकी तरफ जाइएगा, अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तभी इसे लीजिएगा। फिजिकल ओवरव्यू लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे कुछ भी प्रोट्रूडिंग नहीं है, सो ये एकदम फ्लैट है कैमरा मॉड्यूल के लिए, पोर्ट क्लोजर नहीं है, टॉप के कटआउट्स, बहुत छोटी सी एयर पॉकेट सो दैट बेजल डायरेक्टली टच ना करे, आई थिंक समथिंग बेटर देन नथिंग। अंदर से ये पूरा मैट फिनिश है, आई थिंक इसको पुट ऑन करना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा। चलिए रिव्यू करते हैं और कंक्लूड करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं कैमरा प्रोटेक्शन से। आप देख सकते हैं इसका वही हाल है जो पहले कवर का था। इस सेक्शन में तो आपको अच्छी प्रोटेक्शन मिल जाएगी, लेकिन मॉड्यूल पे इतनी डिसेंट प्रोटेक्शन नहीं है। आप देख सकते हैं कि मैंने क्योंकि नाइफ को पूरा प्रेस कर दिया है, तो आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है, ऑलमोस्ट नाइफ टच करने वाला है मॉड्यूल को। आई एम नॉट श्योर ये फैक्टर्स क्यों नहीं दिमाग में रखती कंपनियां जब ये कवर डिज़ाइन करती हैं। आपको कटआउट्स परफेक्ट मिलेंगे, पोर्ट क्लोजर नहीं है, ये कटआउट्स भी परफेक्ट है।
पर मुझे इसमें स्क्रीन प्रोटेक्शन थोड़ी बेहतर लग रही है। जी हाँ दोस्तों, ये एटलीस्ट इस कवर से थोड़ी बेहतर है, जो कि एक अच्छी बात है। ये कटआउट भी नाइसली दिया गया है, आप देख सकते हैं कि स्पीकर ग्रिल प्रॉपरली विजिबल है, नो प्रॉब्लम टू द नोटिफिकेशन लाइट कैमरा। आप टेम्पर्ड ग्लास भी लगवा लें, कोई भी कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये सबसे बड़ा टेम्पर्ड ग्लास था जो मुझे लगा जब मैंने सारे टेम्पर्ड ग्लास ट्राई किए, तो जब अगर इसकी फिटिंग आ सकती है तो कोई भी टेम्पर्ड ग्लास लग सकता है। मटेरियल सेम है, कोई फर्क नहीं। आइए कंक्लूड करते हैं। तो जहां तक इस कवर का सवाल है, फिर वही चीज कि आपको यहाँ पे कैमरा प्रोटेक्टर लगवाना पड़ेगा, अदरवाइज ये कवर इक्वली बढ़िया है। इनफैक्ट मुझे यहाँ प्रोटेक्शन इससे ज्यादा लगी, सो मैं इसको इनफैक्ट ज्यादा प्रेफर करूंगा, क्योंकि यही रीजन है हम इतने सारे कवर रिव्यू करते हैं और साइड बाय साइड और वीडियो लेंथी बनती है, क्योंकि आपको ये पता चलता है रियल टाइम के किस में क्या डिफरेंस है। तो इन दोनों में से अगर आपने इसको एज एन इसमें ब्लैक कलर मिले तो आई प्रेफर दिस, क्योंकि इसमें आपको कैमरा प्रोटेक्शन तो ऑलमोस्ट सिमिलर या थोड़ी बेहतर मिल रही है, बट आपको स्क्रीन प्रोटेक्शन डेफिनेटली बेहतर मिल रही है, विच इज ग्रेट। फिजिकल ओवरव्यू लेते हैं। जो ये बम्प है ना, ये एकदम ना के बराबर है, आपको महसूस होगा, आप देख सकते हैं। एक बार फ्लैश ऑन करता हूं, ये देखिए बहुत बहुत कम है, कोई एयर पॉकेट नहीं, थोड़ा सा टेक्सचर अंदर की तरफ, पोर्ट क्लोजर नहीं है। चलिए इसे भी रिव्यू कर डालते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं कैमरा प्रोटेक्शन से। कैमरा प्रोटेक्शन बहुत बढ़िया नहीं, आप देख सकते हैं कि ब्लेड और कैमरा मॉड्यूल में कितना प्रोटेक्शन। आइए स्टार्ट करते हैं कैमरा प्रोटेक्शन से। आप देख सकते हैं कि ब्लेड और कैमरा मॉड्यूल में कितना फर्क है। ये ठीक ठाक सा है, बहुत बढ़िया नहीं। आपको प्रोटेक्टर लगवाना चाहिए अगर आप इसे फाइनल करते हैं। ये उन कवर्स में से नहीं जो बिना प्रोटेक्टर के, कैमरा के बिना प्रोटेक्टर के यूज किया जाए। कटआउट्स परफेक्ट हैं, आपको कोई पोर्ट क्लोजर नहीं मिलता, टॉप के कटआउट्स भी परफेक्ट हैं, स्पीकर ग्रिल प्रॉपरली दिख रही है, नोटिफिकेशन लाइट, कैमरा, टेम्पर्ड ग्लास आप कोई भी आफ्टर मार्केट लगवाएं, आपको बहुत स्पेस मिल जाती है इस कवर के साथ, जो कि एक अच्छी चीज है। स्क्रीन प्रोटेक्शन कुछ और बेहतर हो सकती थी। जहां तक इस कवर का सवाल है, इस रेट पे तो मैं इसको कभी रेकमेंड नहीं करूंगा दोस्तों, बशर्ते आप अगर इसको लेना ही चाहते हैं। देखिए इसको अगर आप कम रेट पे लोकली खरीद सकें, पर अगर आप इसे फाइनल करते हैं, मेक श्योर आप कैमरा प्रोटेक्टर जरूर लगवाइए, वो मस्ट रहेगा। इसमें एक यूटिलिटी आपको और मिलेगी कि आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं मीडिया कंजम्पशन के लिए, जो कि प्लस पॉइंट है। चलते हैं अगले कवर की तरफ। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने कैपेवर के कवर्स को चेंज होते हुए देखा है। अगर मैं Realme 3 Pro के लिए बात करूं, जब मैंने रिव्यू किया था पहली बारी, तो यहाँ पे अच्छे खासे बम्पर्स बने होते थे, पर यहाँ पे प्लेन डिज़ाइन कर दिया है तो आपको बम्पर्स नहीं मिलेंगे, आपको एयर पॉकेट दी जाती है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको कार्बन फाइबर टेक्सचर की टच मिलता है टॉप में और बॉटम में दोनों में, और कुछ ये हाइलाइट्स हैं, आप देख सकते हैं कि कैसे शाइन करता है कवर इन एरियाज पे। आपको कोई पोर्ट क्लोजर नहीं मिलेगा, यहाँ पे आप मेमोरी कार्ड या फिर सिम कार्ड को रख सकते हैं, एक अच्छी चीज है, अच्छा थॉट है। अंदर आपको ये टेक्सचर दिया गया है ताकि ग्रिप बनी रहे, क्योंकि ये कवर का डिज़ाइन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये थोड़ा सा लूज हो, या आप इसको आसानी से पुट ऑन कर देंगे फ़ोन पे, प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मोर ओवर ये जो ओवरऑल शीट यूज़ की गई है, ये काफ़ी थिक है, क्वालिटी बहुत अच्छी है नो डाउट, पर हाँ बम्पर्स ज़रूर देने चाहिए थे डेफिनेटली। जो पॉकेट्स हैं वो छोटी हैं, बट काश इन्होंने बम्पर्स दिए होते। चलिए इसे फ़ोन पर पुट ऑन करते हैं और फाइनल कॉल ले लेते हैं। आप देख सकते हैं कि गैप कितना है, कैमरा प्रोटेक्शन ठीक ठाक सी है, इस प्राइस पे ये और बेहतर होनी चाहिए थी, एटलीस्ट इतना तो हो कि कम से कम कुछ गैप तो दिखे। आप यहाँ देख सकते हैं कि बहुत बढ़िया प्रोटेक्शन मिलती है फ्लैश को, लेकिन इस मॉड्यूल को नहीं, बहुत कम कवर्स ऐसी प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो अगर आप इस कवर को फाइनलाइज करेंगे,
कैमरा प्रोटेक्टर ज़रूर लगाइएगा। जैसा कि मैंने पहले कहा, पोर्ट क्लोजर नहीं है लेकिन कटआउट्स परफेक्ट हैं बॉटम पे और टॉप पर भी। अगर हम बात करें स्क्रीन प्रोटेक्शन की, तो आप देख सकते हैं कि जो बम्प है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है। तो आई थिंक सो फार ये कवर बहुत अच्छा परफॉर्म करता हुआ नहीं दिख रहा। स्पीकर ग्रिल इंटैक्ट आप देख सकते हैं, आपको नोटिफिकेशन लाइट दिखती है और कोई प्रॉब्लम नहीं। स्क्रीन प्रोटेक्टर आप कोई भी लगाइए, कोई चैलेंज नहीं आने वाला। एम्पल स्पेस है आप देख सकते हैं इधर भी। ऑल इन ऑल इस कवर की अगर बात करूं, नो डाउट क्वालिटी बहुत अच्छी है, डिज़ाइन भी अच्छा है, लेकिन आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन कम मिलती है। इतने प्राइस पे ये थोड़ा सा थॉट आउट होना चाहिए था। अगर कंक्लूजन की बात करें, नो डाउट क्वालिटी अच्छी है, डिज़ाइन अच्छा है, आपको प्रोटेक्शन भी मिलेगी। हाउएवर स्क्रीन प्रोटेक्शन में बहुत ज़्यादा लेट डाउन हूँ। एटलीस्ट एक डिसेंट सा मार्जिन होना चाहिए था। मैं अगर इसे इस तरीके से रखूं, तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम मार्जिन बचता है, ये देखिए। सो लिटरली आप इसको अगर अपसाइड ऐसे रखेंगे डाउन, तो आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली इट मे एंड अप टचिंग दी फ्लोर, आप देख सकते हैं। और जहाँ तक हमने कैमरा प्रोटेक्शन की बात करी, वो भी काफ़ी कम है। सो वंस अगेन आई थिंक इससे बेहतर ऑप्शंस हमने पहले रिव्यू किए हैं पिछले कुछ वीडियोज़ में, आप उसमें देख सकते हैं। क्योंकि इस प्राइस पे मैं इसको रेकमेंड नहीं करने वाला, खासकर कैमरा प्रोटेक्शन और स्क्रीन प्रोटेक्शन को दिमाग में रखते हुए। बट अगर आपको ये पसंद आया है, लुक एंड फील आपको अच्छी लगी है, आप चाहते हैं कि नहीं मुझे यही लेना है, तो प्लीज़ इस पे प्रोटेक्टर ज़रूर लगाइएगा इससे पहले कि कैमरा मॉड्यूल गिरे या टूटे गिरने पे। तो आई डोंट वांट दैट हैपन गाइस। हेंस मैं पर्सनली इसे रेकमेंड नहीं कर रहा, बट इफ़ यू लाइक इट, पुट ऑन अ कैमरा प्रोटेक्टर एंड देन ओनली यूज़ दिस कवर। पेशे खिदमत, कवरों का बादशाह, कवरों का राजा, रिंक आजा। जोक्स अपार्ट, फिजिकल ओवरव्यू लेते हैं दोस्तों। आपको ये सेक्शन हर तरफ से उभरा हुआ मिलेगा, मैं इसे बंद कर लेता हूँ। और ये इंश्योर करता है कि आपका जो एक्रेलिक पैनल है वो फ्लोर पे टच नहीं हो, जो कि एक बहुत बढ़िया बात है। आपको इस तरफ जो कैमरा मॉड्यूल की प्रोटेक्शन के लिए बम्प दिया गया है, ये थोड़ा ज़्यादा हो सकता था। ये डिसेंट है, ये बहुत अच्छा नहीं, और अच्छा नहीं कहूँगा इसे। बाकी देखते हैं कि हम फ़ोन पुट ऑन करते हैं तो कितना कैमरा मॉड्यूल प्रोट्रूड करता है। आपको अंदर की तरफ ये होती एयर पॉकेट्स, देखिए दोस्तों मज़ा आ जाता है देख के। हालांकि इसमें एक थोड़ी सी उन्होंने स्मार्टनेस ये दिखाई है कि बहुत ज़्यादा गहरी नहीं है। उन्होंने जो स्ट्रीक्स दी हैं उससे आपको ज़्यादा लगेगा कि ये गहरी हैं, देखिए ध्यान से। सो स्मार्ट है, चालू लोग हैं ये लोग। अंदर से अगर हम देखते हैं तो ये एरिया आपके फ़ोन पे निशान डाल सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि ये वेल अबव है इस एक्रेलिक शीट से। अंदर की तरफ आप ध्यान से देखिएगा। सो मैं ये सजेस्ट करूँगा, जब आप फ़ोन इसमें पुट इन करें तो थोड़ा सा एहतियात बरतिएगा। और ये भी है कि जब ये ऐसे गिरे, एज इन फ़ोन के साथ अगर ऐसे गिरता है, तो ये प्रेशर इन पॉइंट्स का सीधा आपके बैक पैनल पे जाएगा, एज इन फ़ोन के। सो आई थिंक इन्होंने ये चीज़ नहीं सोची। लेकिन अच्छी बात ये है कि अगर मैं इसे स्क्रैच करता हूँ, तो ये हार्ड प्लास्टिक नहीं है, ये रबर ही है। सो ये सॉफ्ट रबर है, आप देखिएगा। मैं एक बार इसे प्रेस करता हूँ, शायद मैं उस तरीके से ना दिखा पाऊँ, मुझे एक बारी को शायद कटर ऑन करना पड़ेगा। फोकस, और ये सॉफ्ट है। अगर मैं इसे स्क्रैच करने की कोशिश करता हूँ तो ये हार्ड नहीं है। सो अच्छा है, आई थॉट कि अगर ये प्लास्टिक हार्ड हुआ तो क्या, बट ये हार्ड प्लास्टिक नहीं है। हाँ, लेकिन आप इस पॉइंट को ज़रूर दिमाग में रखिएगा। हमारा काम है दोस्तों सब चीज़ें बताना, सो हेंस आई एम लेटिंग यू नो। पुट ऑन करते हैं और कंक्लूड करते हैं। तो आपको कैमरा प्रोटेक्शन अच्छी मिल जा रही है, इनफैक्ट ये काफ़ी अच्छी है, इट्स ऑन द लाइंस ऑफ वेरी गुड। अगर हम बॉटम पोर्ट्स की बात करें, तो उनके कटआउट्स परफेक्ट हैं, पोर्ट क्लोजर नहीं है, जो कि आई थिंक हर मैन्युफैक्चरर को देना चाहिए, एक अच्छी एडिशन है। आपका फ़ोन सेफ रहता है, पानी मानी गिर जाए तो दिक्कत नहीं होती इतनी। टॉप सेक्शन में भी आप देख सकते हैं कटआउट्स परफेक्ट हैं। स्पीकर ग्रिल फ्लैश ऑन कर लेते हैं,
कोई प्रॉब्लम नहीं, आप टेम्पर्ड ग्लास भी लगवा सकते हैं कोई भी थर्ड पार्टी का, जैसे हमने लगाया, आपको कोई इशू नहीं आने वाला, ये भी एक बढ़िया बात है। एक चीज़ जो मुझे पसंद नहीं आई वो ये कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे ही आप इस तरफ जाते हैं, यहाँ तो स्क्रीन प्रोटेक्शन बहुत अच्छी है, सो अगर आप फ़ोन इस तरीके से रखेंगे तो इस तरफ से तो टेम्पर्ड ग्लास सर्फेस को नहीं टच करेगा, लेकिन यहाँ आते आते आप देखिए ये एकदम नेक टू नेक हो रही है, विच मीन्स कि अगर आप फ़ोन ऐसे रखेंगे इन साइड्स पे तो टेम्पर्ड ग्लास नहीं टच होगा, लेकिन यहाँ पे जो टेम्पर्ड ग्लास है वो फ्लोर पे डेफिनेटली टच होगा। सो गिरने पे चांसेस रहेंगे कि टेम्पर्ड ग्लास ब्रेक हो जाए, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। हैविंग सेड दैट, इस कवर के साथ टेम्पर्ड ग्लास लेते ही लगवा लीजिएगा, नहीं तो स्क्रीन डेफिनेटली टूट सकती है। अगर फ़ोन ऐसे गिरा और सर्फेस अनइवन हुआ तो पक्की बात है स्क्रीन टूटेगी ही टूटेगी। ओवरऑल इसका वेट भी अच्छा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्यूजन एक्स लिखा हुआ मिल जाता है आपको, इधर सेक्शन दिया गया है थ्रेड या डोंगल लटकाने के लिए। ऑल इन ऑल ट्रांसपेरेंट कवर्स में रिंग का मुकाबला नहीं है, आई थिंक कहने की बात नहीं, ये सबसे अच्छा कवर मुझे लगा, क्योंकि आपको जो प्रोटेक्शन और लुक्स का मिक्स मिलता है बहुत बढ़िया है। यस, हर कवर में जैसे कुछ कमी है, इसमें कमी है कि यहाँ पे प्रोटेक्शन थोड़ी और बेहतर हो सकती थी, तो आप टेम्पर्ड ग्लास लगाइए और एंजॉय कीजिए और फ्लॉन्ट कीजिए Redmi Note 8 Pro की लुक्स को। एक चीज़ और दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमने इसे पहले रिव्यू किया था, ये उसी तर्ज पे बनाने की कोशिश की गई है, पर बहुत डिफरेंस है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको कितने एलिमेंट्स मिलते हैं सपोर्ट के लिए इस शीट की, ताकि ये स्क्रैची ना हो और बम्प सोक कर ले, क्रैक ना हो, लेकिन यहाँ पे आपको ये छोटी सी चार लाइंस दी गई हैं। सो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, मैं स्टिल ये कहूँगा कि आपका बजट नहीं है तो ही लीजिएगा, लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं है। आई वुड रादर प्रेफर दिस वन इंस्टेड ऑफ दिस, क्योंकि रिंग इज़ रिंग एंड रिंग इज़ किंग। ओके, थैंक्स गाइस।